तो बेटा इस क्वेश्चन में द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ गिवन, वी वेक्टर की वैल्यू तुम्हें दे रखी है। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल पैरेलल टू वेक्टर ए इन वेक्टर फॉर्म। भाई एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मान लो ये अपने पास दो वेक्टर है, ये अपने पास कोई वी वेक्टर है और ये अपने पास कोई ए वेक्टर है ना। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है क्योंकि दोनों के आई जे के की वैल्यू अलग है, मैग्नीट्यूड अलग है। इनके बीच में कुछ मान लेते हैं एंगल कितना है, थीटा। तो जल्दी हमसे ये पूछा जाता है कि इस वेलोसिटी वेक्टर का ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, है ना। तो भाई क्या वी का कॉस थीटा का तुम कंपोनेंट सॉल्व कर सकते हो, तो वो अपने पास आ जाता है वी कॉस थीटा, है ना। यानी मैग्नीट्यूड लिखूं और इनके बीच का कॉस थीटा निकाल लूं, एंगल लिख दूं, तो मेरे पास वो आंसर आ जाएगा। बट आज उसने बोला है कि वो जो तुम्हें आंसर निकालना है वो किसकी फॉर्म में आना चाहिए बेटा, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में मतलब कि जो अपने पास आंसर आना चाहिए, रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए, वो एक वेक्टर होना चाहिए, आई जे के कैप में होना चाहिए। तो मान लेते हैं जैसे अपने को एक्स वेक्टर सॉल्व करना है ना, तो उसका बेटा मैग्नीट्यूड जो है वो तो है वी कॉस थीटा, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर के अलोंग है, तो इसका मतलब एक्स वेक्टर की डायरेक्शन भी किसके अलोंग होगी, ए वेक्टर के अलोंग। और डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड तो मैंने लिख ही दिया, और डायरेक्शन के लिए बेटा यहाँ क्या लिख दूँ, ए कैप, है ना। ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन को, है ना। तो बस अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले वी कॉस थीटा करना है, फिर ए कैप लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वी, वी यानी उस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब ज़रा मुझे यहाँ देख के बताओ वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, है ना। तो वो बेटा अपने पास आएगा अंडर रूट में 36 प्लस 4 प्लस 4, है ना। यानी वो तो अंडर रूट 44 आ जाएगा बेटा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं वेलोसिटी वेक्टर अंडर रूट 44। और कॉस थीटा, कॉस थीटा सॉल्व करना हो तो कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल सॉल्व करना हो तो क्या लिख सकते हैं, वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वी मॉड ऑफ ए, और ए कैप तो बेटा साथ में चल ही रहे, यहाँ तक क्लियर है ना। अब वी डॉट पहले कॉस थीटा सॉल्व कर लो, है ना। कॉस थीटा है वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। तो वी डॉट ए करेंगे तो मुझे बता दो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहीं कर लेते हैं, आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ। तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा -2, है ना। तो ये अपने पास आएगा 6 प्लस 2 -2, है ना। तो 6 प्लस 2 -2 अपॉन अंडर रूट वी तो बेटा कितना है, 44, और अंडर रूट ए वो अपने पास है √3, है ना। वो अपने पास कितना आ जाएगा, √3 तो आ जाएगा। ध्यान से देखो आई प्लस जे प्लस के का इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, √3 लिख दोगे, है ना। और ये कॉस थीटा है, यानी ये अपने पास बेटा क्या 2 से 2 गया, ये अपने पास आ गया, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट करोगे तो बेटा अंडर रूट 44 इंटू 6 अपॉन अंडर रूट 44 इंटू √3, ये तो है ही, इंटू ए कैप। ए कैप होगा बेटा ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए, तो ये वेक्टर बाय मोड ऑफ ए कर दो, यानी आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए क्या लिखोगे, √3। तो बेटा अब तुम्हें बस इसको सॉल्व करना है, √44 से √44 गया, यहाँ पे √3 √3 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर 2 बचेगा और साथ में क्या बचेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये बचेगा बेटा आंसर, रिक्वायर्ड आंसर अपना ये है ना। तो चेक कर लेते हैं क्या आंसर आएगा, 2i प्लस 2j प्लस 2k, तो बेटा बी ऑप्शन जो है वो सही है।